एवरीवन, चलो शुरू करते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स यहाँ पढ़ेंगे। आओ सुनाऊं तुमको भाई कहानी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जॉइंटिस पे। जॉइंटिस क्या होता है? पीलिया, जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, नेल्स पीले हो जाते हैं। यहाँ पे लिख के रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहा है हेयर द स्किन एंड आई टर्न्स येलो, पीला पड़ जाता है ड्यू टू, क्योंकि डिपोजिशन हो जाता है बाइल पिगमेंट्स का। बाइल पिगमेंट्स बिलरूबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि आपका लीवर डैमेज हो चुका है, लीवर डैमेज हो चुका है, ये इंडिकेट करता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। वॉमिटिंग, उल्टी उल्टी उल्टी। यहाँ क्या लिख रहा है? इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, मुंह से जो स्टमक का कंटेंट है वो निकल लाना, इजेक्ट हो जाना, ठीक है। ये कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ये ब्रेन में हमारा एक पार्ट होता है, इससे कंट्रोल होती है हमारी वॉमिटिंग, द फीलिंग ऑफ नौजिया भी। वॉमिटिंग से पहले जो फीलिंग होती है उसे फीलिंग ऑफ नौजिया बोलते हैं। डायरिया पे चलते हैं। डायरिया क्या है? पतली पतली पॉप पॉप पॉप। इसमें क्या होता है? फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन होता है, मतलब जल्दी जल्दी एलिमिनेट होता है, निकलता है वॉटरी फीकल मैटर, ठीक है, वॉटरी फिजिस। इट रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी रिड्यूस कर देता है। इसके थ्रू पानी तो निकल ही जाता है, उसके साथ साथ हम जो खाते हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता है, मेनली एब्जॉर्ब नहीं होता है। नाउ मूविंग टू द कॉन्स्टिपेशन, ये जस्ट डायरिया का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? रुक जाती है। द फीकल मैटर और द फिसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलन। कोलन एक हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली पार्ट है, जहाँ पे हमारा पॉप और रुक जाता है, राइट। इट इज़ ड्यू टू द, ये क्यों होता है? ड्यू टू द डिक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस इन कोलन। कोलन वही लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। कोलन रेक्टम लास्ट पार्ट होता है, कोलन उसका दूसरा पार्ट होता है, मतलब बीच वाला पार्ट होता है। पेरिस्टाइलिस क्या होता है? पेरिस्टाइलिस जो मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है इन ऑर्गन्स के अंदर, उसको पेरिस्टाइलिस बोलते हैं। वो मूवमेंट हो जाता है डिक्रीज, जिसकी वजह से आपका पॉपो नहीं निकल पाता है। नाउ मूविंग टू द इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है यार? फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है। इसमें क्या होता है? हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसी वजह से ये फीलिंग आती है। लिखा हुआ है कंडीशन लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस, भरा भरा लगता है, क्योंकि ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन, क्योंकि सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है। किस वजह से? या तो एंजाइटी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रखी है जीभ को लेके, नाउ, या इन एडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, या सही से एंजाइम सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, या फूड पॉइजनिंग हो गई है आपको, खाना नुकसान कर गया है, कुछ गंदा खा लिया है, या स्पाइसी फूड का सेवन कर रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा यही कंडीशन होती है स्पाइसी फूड की। इसके बाद ये क्या आ गया? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। अरे भैया, इसको नेक्स्ट बारी में पढ़ेंगे। रील बना रहे, रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छी बात रहेगी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? उठवा लेंगे। टेक केयर, बाय बाय। दैट्स ऑल गाइज़।